एक पिरामिड मास्टर का जीवन होता है समग्र जीवन, आनंदपूर्ण जीवन। प्रत्येक पिरामिड मास्टर एक रत्न है और उनका जीवन समाज के लिए उदाहरण। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के 18 सिद्धांतों को हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 18 सिद्धांतों के बाद ब्रह्मर्षि पत्री जी ने 13 मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बताया, जिन्हें हर पिरामिड मास्टर को अपने आचरण में लाने का अभ्यास करना चाहिए। पहला अभ्यास, PSSM के किसी भी कार्य के लिए हाँ, हाँ और सिर्फ हाँ कहें। कभी भी किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। ना कहना या नकार की भावना आपके जीवन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगर संभव हो तो जिस भी कार्य के लिए आपको कहा गया है उसमें सहायता करें। अगर संभव ना हो तो मौन रहना सबसे उचित है। दूसरा अभ्यास, यदि आप एक पिरामिड मास्टर हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। यह तब ही संभव है जब आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं। ध्यान करने से ही आपको इस आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा अभ्यास, पिरामिड सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले सभी आध्यात्मिक कार्यों को सबके साथ मिलकर करें और कार्यों को पूरा करने का श्रेय हमेशा दूसरों को दें। लोक कल्याण के सभी कार्यों में अपने आत्म मित्रों के साथ बढ़ चढ़ कर भागीदारी लें। इससे आप में सामूहिक चेतना का विकास होता है। चौथा अभ्यास, अगर आप लंबे समय से ध्यान और स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, और एक सीनियर पिरामिड मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो निरंतर आत्म प्रगति के लिए अभ्यास करे, लेकिन साथ ही जूनियर पिरामिड मास्टर्स का भी स्वयं जितना ही सम्मान करे। पांचवा अभ्यास, हमेशा याद रखें कि पिरामिड आध्यात्मिक समूह में हम सभी का अपना अपना विशेष स्थान है। सभी अपने आप में अद्वितीय हैं और हम सभी को साथ रहकर सामूहिक चेतना का विस्तार करना है। छठा अभ्यास, जैसा आपके आसपास का वातावरण होता है वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। शुद्ध सात्विक जीवन जीने का एक पहलू ये भी है कि आप जहां भी रहें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। जय हो स्वच्छ भारत। सातवां अभ्यास, व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत सुखों और आत्मिक उत्थान के लिए प्रतिदिन पूरे हृदय से स्वयं पर कार्य करें। आठवां अभ्यास, पूर्ण रूप से भौतिक आवश्यकताएं जैसे भोजन और नींद आपको भौतिक तल पर रोक कर रखती हैं, इसलिए निरंतर अभ्यास से जब आपका ध्यान गहन होने लगे तब धीरे धीरे अपनी भौतिक आवश्यकताओं में संयम बरतें और समय के साथ उन्हें कम कर दें। नौवां अभ्यास, सेवा से संबंधित किसी भी छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए प्रत्येक पिरामिड मास्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। दसवां अभ्यास, जो बीत गया उसके बारे में एक पिरामिड मास्टर कभी बात नहीं करता, क्योंकि जो भी हो चुका है उसे किसी तरह बदला नहीं जा सकता। इसलिए एक पिरामिड मास्टर को भूतकाल से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, लेकिन आगामी 24 घंटों के लिए हमेशा एक स्पष्ट योजना रखनी चाहिए। 11वां अभ्यास, एक बेहतर जीवन के लिए जितना जरूरी ध्यान और ज्ञान है उतना ही अन्य कलाएं भी हैं। प्रत्येक पिरामिड मास्टर को अपने मनपसंद खेल या संगीत या किसी भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। 12वां अभ्यास, कोई व्यक्ति अगर आपका कुछ बुरा कर देना चाहता है तब भी उसके प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट ना रखें। जो जैसा सोचता है उसका जीवन वैसा ही बनता है, इसलिए यदि कोई आपका बुरा चाहता है तो वह अपने जीवन में नकारात्मकता का निर्माण करेगा, लेकिन एक पिरामिड मास्टर अपने मन के वश में नहीं रहता, इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी उसके प्रति अच्छा ही सोचें।
13वां अभ्यास, स्वयं के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें। किसी भी कार्य को पूरा करने पर या कुछ भी अच्छा करने पर स्वयं की सराहना भी करनी चाहिए।